हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर घर में कभी लाइट चली जाती है या आपके घर का मिक्सर खराब हो जाता है तो आपको सब्जी बनानी रहती है, उसमें टमाटर का पेस्ट डालना रहता है, टमाटर प्यूरी यूज करनी रहती है, अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करना रहता है। तो कैसे हम उसको बना के घर में तैयार कर सकते हैं? अदरक लहसुन तो आप बारीक काट लें या ग्रेट कर लें तब पर भी काम चल जाता है, बट अगर टमाटर की प्यूरी ना हो, पेस्ट ना हो, तो सब्जी अच्छी नहीं बनती है। और अक्सर क्या होता है, टमाटर कभी कभी होते हैं जो छिलके जो होते हैं वो बहुत मोटे मोटे भी हो जाते हैं, तो वो सब्जी में अक्सर जो छिलका होता है वो सब्जी का स्वाद बिगाड़ देता है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि बिना किसी मिक्सर जूसर या अप्लायंस के आप कैसे इसका प्यूरी तैयार कर सकते हैं। सबके घर में ये ग्रेटर ज़रूर होता है, ये नॉर्मली घर में यूज़ होता है, पतले वाली साइड या मोटे साइड जिस भी तरफ से आप चाहें। टमाटर लें और इसको ऐसे ऐसे ग्रेट करें तो उससे दो फायदा होगा, आपकी टमाटर की प्यूरी भी तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ बाहर की तरफ ये छिलका टमाटर का निकल आएगा। तो अक्सर लोग परेशान रहते हैं, छिलका नहीं खाना चाहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं कि छिलका ना आए, तो ये बहुत ही इजी रास्ता है कि टमाटर प्यूरी भी तैयार हो जाती है और आपको छिलका भी नहीं टमाटर का खाना पड़ता है। तो हम इसको पूरा ग्रेट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये मैंने पूरा टमाटर लेके ग्रेट कर लिया है। ये देखिए कैसे छिलका अपने आप अलग हो गया है और ये टमाटर की प्यूरी हमारी बन के तैयार हो गई है। अक्सर ढाबे पे लोग, क्योंकि लाइट नहीं रहती है, मिक्सर का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लोग यही टेक्निक यूज़ करते हैं। ये देखिए कितने आराम से, क्योंकि देखिए कभी कभी ये देखिए जैसे इस टमाटर का छिलका बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो अगर मैंने इसको छोटा छोटा काट के डालूंगी भी तो वो छिलके की वजह से सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो ये छिलका अलग भी हो गया और हमें टमाटर की प्यूरी भी मिल गई। तब हम दूसरा टमाटर भी ऐसे ही ग्रेट करके प्यूरी निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कैसे टमाटर का पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हुआ है, जैसा कि आप ग्राइंडर या मिक्सर में तैयार होता है। और ये छिलका भी देखिए, ये देखिए छिलका इसका अलग हो गया है। तो आपको छिलके अगर नहीं पसंद है तो छिलका इसका, और उसका कोई यूज भी नहीं होता है कोई छिलके का, ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है, तो ये छिलका आप डिस्कार्ड करिए और अच्छी सी हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। ओके, बाय।